हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं LIC की आई हुई लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में, जहां पे आप इंडिया में किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज आउट हुई है, दोनों यहाँ पर एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। सो आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर अप्लाई करना है, हमेशा की तरह प्रॉपर स्क्रीन पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, ताकि पहली बार में आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाए। किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से है आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पोस्ट वाइज वैकेंसीज है यहाँ पे रिलीज हुई है। कब से कब तक आपको अप्लाई करना है वो भी आपको बताने वाली हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, कोई एग्जाम आपका नहीं होने वाला, ना कोई एप्लीकेशन की फ़ी पे करनी है। चाहे आप रिजर्व कैंडिडेट है चाहे अनरिजर्व कैंडिडेट है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करना होगा। तो सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक जॉब अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी देखिए, इस अपडेट के अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.glory.com को आप सीधा गूगल पे टाइप कर लेना, जैसे मैंने टाइप किया हुआ है। पहली नंबर वाली साइट हमारी है। बाकी अगर आपको कोई देखने को मिलती है आप उसको फेक कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके जितनी भी रिसेंटली वैकेंसीज आई है चेक करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, कोई भी आपको हेल्प चाहिए होती है ना, आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। उन दोनों पेजेस को फॉलो रखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। थोड़ा सा वेट कर लेना, आपको डेफिनेटली वहां पे रिप्लाई मिलेगा जो भी आपको हेल्प चाहिए होंगी उसके रिगार्डिंग। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए ज्यादा टाइम लेते हुए सीधा बात करेंगे LIC की आई हुई लेटेस्ट जॉब वैकेंसी के बारे में, किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको बताने वाली हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, प्यारा सा लाइक जरूर करना, आपका एक लाइक मोटिवेट करते हैं आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं LIC की लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में। आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है LIC की तरफ से, मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये अपडेट आपका आया हुआ है, जहां पे अप्लाई करना भी शुरू हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन आया है, इसका ब्रीफ में बात करेंगे। वैकेंसी कौन कौन सी है, कैसे कब से कब तक आपको अप्लाई करना है, ऑल मेल फीमेल अप्लाई यहाँ कर सकते हैं, ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा, यहाँ पे डायरेक्टली आपकी सिलेक्शन होने वाली है, कोई देखिए एग्जाम आपका नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रोल डाउन करेंगे, ये लेटेस्ट वैकेंसी जो इसके अलावा आई हुई है वो आप चेक कर सकते हैं। 8th, 10th, 12th ग्रेजुएट की भी है, वर्क फ्रॉम होम भी है, वो आप सारी चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर पोस्ट की यहाँ पे बात करें, सबसे पहले देखिए यहाँ जो पोस्ट है वो है इंश्योरेंस एडवाइजर की। नेक्स्ट अगर पोस्ट की बात करें, कलेक्शन एग्जीक्यूटिव और कलेक्शन मैनेजर की वैकेंसीज है। ये दोनों जो वैकेंसीज है ना, इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, ये बेस्ट चीज है आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए बात करें, 10th pass, 12th pass अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर कलेक्शन एग्जीक्यूटिव और कलेक्शन मैनेजर की बात करें, इसके लिए 12th pass और ग्रेजुएट कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अगेन रिपीट करूँगी, यहाँ पे फ्रेशर्स एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स की, इसके अलावा इम्पॉर्टेंट लिंक्स आपको कहाँ पे मिलेंगी और एज लिमिट की, आपकी एज देखिए मिनिमम 18 है, अप्लाई कीजिए। मैक्सिमम एज पर नॉर्म्स आपकी रहने वाली है, इवन अगर आपकी मैक्सिमम एज 48 या 50 तक भी है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको लास्ट में चले जाना है, फी यहाँ पे देखिए कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अप्लाई करना होगा। लास्ट में ये आपको लिंक मिल जाते हैं, ये पहला लिंक है अप्लाई का। सबसे पहले आपने यहाँ अप्लाई वाले लिंक पे क्लिक करना है। आप ध्यान से यहाँ पे समझिएगा क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे मांगी गई हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, अप्लाई स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है वो भी ध्यान से समझना, ताकि पहली बार में अप्लाई हो जाए। क्लिक करने पर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपडेट देख पा रहे हैं, LIC रिक्रूटमेंट एजेंसी की तरफ से ये रिलीज किया गया है नोटिफिकेशन। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया दो अलग अलग पोस्ट है, ठीक है, मैंने ये सेकंड वाली पोस्ट ओपन की हुई जहाँ पे 12th pass एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। जॉब टाइटल में यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है LIC एजेंट। ठीक है, कलेक्शन एग्जीक्यूटिव मैनेजर की वैकेंसीज है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपके पास वैकेंसीज यहाँ पे आ जाएंगी, सब प्रोसेसिंग में ये टाइम लेगा। इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए लॉग इन करने को बोल रहा है। ठीक है, अप्लाई करने से पहले आपको लॉग इन करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अब लॉग इन के लिए आपको यूजर नेम
पासवर्ड लिखना होगा, ठीक है। लेकिन आप यूजर नेम पासवर्ड कैसे लिख पाएंगे, अगर आपने पहले रजिस्टर किया हुआ है अपने आप को, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, न्यू यूजर और साइन अप पर क्लिक करना होगा, ठीक है। वहां पे जो यूजर नेम पासवर्ड आप रखेंगे वो यहाँ पे लगा के आप लॉगिन करके अप्लाई करेंगे। तो पहले हम न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। रजिस्टर्ड एज जॉब सीकर यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, वो आपको रहने देना है। यूआईडी टाइप मतलब आपके पास किस तरीके की आईडी है, ठीक है, यूएन नंबर है, इसके अलावा पैन कार्ड है या फिर अदर्स है। तो आपके पास अगर पैन कार्ड नहीं है, आप अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं। अब अदर्स में आपके पास क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है या वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, जो भी आपके पास है वो आप यहाँ लिख सकते हैं, या फिर आधार नंबर आप लिख सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद यहाँ पे आपको चेक पे क्लिक करना है, ठीक है। चेक पे क्लिक करने के से बेनिफिट ये होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट आपने फिल की हुई है। उसके बाद जो जो डिटेल्स मांग रहा है वो फिल करना है। जब यूजर नेम जो आप यहाँ पे रखेंगे, पासवर्ड रखेंगे, वही वहाँ पे फिल करके आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। अपना नेम लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, क्वालिफिकेशन क्या है, कब पास आउट की है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके बेसिस पे बस आपके यहाँ पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग होने वाली है, ठीक है। तो एग्जाम तो कोई है ही नहीं, 10th 12th ग्रेजुएट सारे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिए। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट जरूर करना। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने आपको बताया यूट्यूब की तरफ से वेरीफाइड चैनल है हमारा, आपको वेरीफाइड जॉब्स ही यहाँ पे बताई जाती है, तो सब्सक्राइब करना। अपने फ्रेंड्स को भी आप रेकमेंड कर सकते हैं चैनल सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। आप अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।